क्या नाम हुआ? माय नेम इज नीतू कुमारी। तो क्या आप इनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं? यस जी। आपको लग रहा है कि इस बार इनका चुनाव निकलेगा? एकदम लग रहा है कि जीतने वाले हैं दम। एक नंबर। अरे कितने नंबर वार्ड से खड़ा? 7 नंबर से। पंचायत? पंचायत बहादुरपुर पंचायत से। ये पूरा जन समूह लेके निकले हैं, क्या बात है आज? रैली के लिए। रैली कर रहे हैं? तो क्या रैली करने से वोट मिलता है, आपको लगता है ऐसा? इतना सोचते तो इतना होवे नहीं करे जी। सोचने पर तो सब होता है। सोचने पर मतलब सोच बना हुआ है कि लोगों को एकजुट करना है, एकजुट करके चलना है, एकजुटता दिखाना है। आप अपना परिचय दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम धीरज सिंह चौहान है और मैं शोभा चौहान का प्रतिनिधि हूँ, पति हूँ, और हम उनके साथ हैं। आज जो जन सैलाब जन समूह जो आज है, उसी के साथ में हम भी इनके साथ में कदम से कदम मिला। क्या आप मानते हैं कि जो जन समूह चलता है, क्या वो वोट में तब्दील हो जाता है? देखिए, जो जन समूह है, जो जन समूह नहीं है, उस पर कुछ परसेंट को लगता है कि भाई वो क्या होगा, लेकिन जो जन सैलाब जो दिखता है, वो जन सैलाब 100% वोट में तब्दील होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिद्वंदी होते हैं जो कि एक दूसरे को हर किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमको देंगे वोट, हमको दे वोट। उसी दौरान में जो मतदाता किसी प्रतिनिधि के साथ, प्रत्याशी के साथ अगर वो चल देते हैं घर से बिना किसी का परवाह किए हुए, तो उन पे 100% मेरा मानना है कि उन पे भरोसा किया जा सकता है और वो आपके पक्के वोटर होते हैं। आपका मानना है कि जो कंफ्यूज वोटर है, वो जन समूह देख कर प्रभावित होते हैं? जन समूह, जन सैलाब, चूँकि जो जिस पद के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी लड़ रही है वार्ड सदस्य का चुनाव, वह 200 और 250 वोटरों पर निर्भर करता है कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। और हमारे साथ 200 से अधिक लोग एक साथ चल रहे हैं, तो लोग अनुमान यह लगा रहे हैं कि जब 200 इनके साथ जब संपर्क अभियान में निकल रहे हैं तो वोटर में कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि कौन सा प्रत्याशी है जो कि इस रेस में आगे निकल सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि साइलेंट वोटर भी इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं? हाँ, 200 के साथ साथ। जी, बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं, मेरा मानना है कि 70-80% वोटर पहले डिसाइड कर देते हैं कि किस प्रत्याशी को हमको वोट देना है। कुछ ऐसे 20% ऐसे वोटर होते हैं जो जन सैलाब और हवा को देखकर वोट करते हैं, तो इसका प्रभाव जो हम लोग जो घूम रहे हैं, इसका प्रभाव डायरेक्ट वो 20% वोटरों पे पड़ता है जो कि बोलना नहीं चाहते और डायरेक्ट हवा के अनुसार वोटिंग करते हैं। तो ये फ़ायदा कहीं ना कहीं से होता है। तो इस हिसाब से माना जाए कि आपका जीत निश्चित है? हमको हमारी जीत निश्चित नहीं है, जो हमारे साथ महिलाओं की हुजूम है, महिलाओं की भरोसा है, विश्वास है, हमारे लिए श्रद्धा है, उनकी जीत निश्चित है। क्योंकि हम एक प्रत्याशी के रूप में एक कैंडिडेट उतारने का काम जो इन लोगों का आशीर्वाद से हुआ है, इन लोगों को प्रेरणा से जो हुआ है, वो उचित बातें हैं। लेकिन मुख्य बात ये है कि आज जितने भी हमारे गाँव की महिलाएँ हैं, जितने भी माँ बहन हैं, जिनकी भी श्रद्धा मेरे साथ है, उनकी जीत हम मानते हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आने वाला समय मेरा नहीं, उनका होगा जो हम पे भरोसा कर रहे हैं। और किसी भी स्थिति परिस्थिति में मैं भरोसा दिलाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्ट्रगल जो है वो जारी रहेगा और उनके हक के लिए, उनके हित के लिए, चाहे किसी से भी हमको लड़ना पड़े, किसी से भी हमको जूझना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आप जो जनसंपर्क अभियान में निकले हैं, उनके साथ धीरज सिंह चौहान भी हैं, उनसे जनसंपर्क अभियान के समय बात हुआ और मैं कुछ इनके साथ जो आई है महिलाएं उनसे भी बात करूंगा। क्या लगता है आपको, चुनाव जीतेंगे ये लोग? गाँव घर में बहुत आशा है, मदद उदत करते हैं? हाँ, ऐसा हूँ, करते हैं, ऐसे भी करते हैं। जे काम उसका पास में है, अधिकारी काम करते हैं, पैसा सोबे तो पैसा से, मतलब हर तरह से, हर तरह से मदद करते हैं। समाज, मतलब सामाजिक आदमी है आप लोगों के लिए? हमारा संघर्ष। उनकी पत्नी जो खड़ा है शोभा चौहान,
क्या आप लोग वोट दीजिएगा खूब मन से। नाम है अजीत प्रसाद, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं सिर्फ वोट देने के लिए आया हूँ। क्या नाम हुआ? माय नेम इज रितु कुमारी। तो क्या आप इनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं? यस जी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार इनका चुनाव निकलेगा? एकदम लग रहा है कि जीतने वाले हैं, एकदम एक नंबर में हैं। एक नंबर में है? हाँ। और कैंडिडेट जो है आप कैसे मानते हैं कि वो एक नंबर में नहीं है? कैसे मानते हैं? नहीं सब है, लेकिन इस बार इस एक नंबर में है धीरे सिंह चौहान एक नंबर में है। बाकी सबका सहमत है, सबको इनको सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए सबको इनका साथ है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से जीताए, भारी मतों से विजय बनाए, इनको सबको वोट दें।